1 minute to go now. So let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 98th program from the platform of Let's Grow Together. Dosto kehte hain ki takdeer ke khel se naraz nahi hote, zindagi mein kabhi udaas nahi hote. Haathon ki lakeeron pe yakin mat karna, takdeer to unki bhi hoti hai. जिनके हाथ ही नहीं होते। दोस्तों, अगर हम में से किसी को भी लगता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद और आज के अपने स्पीकर को सुनने के बाद हम सब ये बहाने बनाना छोड़ देंगे। हम सबको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि हमारे प्रॉब्लम्स वाकई प्रॉब्लम्स है या सिर्फ बहाने हैं। विनर कभी बहाने नहीं बनाते और जो बहाने बनाते हैं वो कभी विनर नहीं बन पाते। नाकामयाबी के हजार रीजंस हो सकते हैं, पर हमें वो एक रीजन ढूंढ कर उसके ऊपर फोकस करना है जो हमें कामयाबी हासिल करने में मदद करे। हमारे सामने कई उदाहरण हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स जो एक साइंटिस्ट थे, नेक वॉयजे ऑस्ट्रेलिया से हैं जिनके दोनों हाथ पैर नहीं हैं, मुनाबा हजारी जो पाकिस्तान की आयरन लेडी कही जाती है, और ऐसे कई उदाहरण पूरे विश्व में हैं। आज मैं बात करूंगी श्रीकांत बोल्ला की। दोस्तों, अगर लाइट चली जाए तो हमारे लिए कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, पर जो बचपन से अंधा है उसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर श्रीकांत बोला कि लाइफ में अंधेरा बचपन से ही था, पर पढ़ाई का इस पर इतना जुनून था कि वे हर रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाया करते थे। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, तो इन्होंने कॉलेज पर ही केस कर दिया और फिर 6 महीने बाद इनको एडमिशन मिल गया और 12th बोर्ड के एग्जाम में 98% से अपने कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। इसके बाद कैम्ब्रिज की MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ऐसे स्ट्रगल करते करते 2012 में रतन टाटा की मदद से बोलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू करी और इन्होंने और हजारों हैंडीकैप लोगों को काम पर रखा। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़, और जो बंदा खुद देख नहीं सकता था वो हजारों को काम दे रहा है, और इसकी बदौलत 2017 में 30 अंडर 30 फॉर्ब्स के लिस्ट में इनका नाम भी शामिल किया गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी अगर ये श्रीकांत बोला कर सकता है तो सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज कभी नामुमकिन नहीं होती, सिर्फ हमारे फैसले करने की देर है। आइए आज मैं ऐसे जज्बे की एक और मिसाल दिखाती हूँ। एक इंसान ने उम्मीदों के पंख लगाकर बेमिसाल उड़ान भरी है, जो खुद एक पोलियो सर्वाइवर है। आइए उनसे रूबरू करवाऊं, उससे पहले उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी, और इसके साथ साथ मैं हमारे मित्र श्री अमित पारेख जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी
जिन्होंने हमें आपसे मिलाया। आज के स्पीकर का परिचय है, मिस्टर प्रणव देसाई इज द फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल कॉल्ड VOSAP। He is an engineer, MBA, disability rights advocate and global IT business leader, vice president with entity Data USA. Appointed as honorary advisor to Government of India in 2015. Specially abled person with polio since age of 4. Promoting inclusion of person with disabilities with government, UN and corporations. Championing VOSAP mission to transform lives of 1 billion plus specially abled people. If I talked about his professional achievements, he possesses multiple awards at NTT Data, AIG and Irwin Mills in February 2019. Also received a social impact award by CEO of NTT Corporation, Tokyo, Japan. Mr. Pranav was awarded for outstanding sales performance for year 2021 as Vice President of Sales in Northern America for his business unit. In social achievements, he is a founder of VOSAP and inspired about 11,000 individuals from 10 plus countries to register as volunteers to help persons with disabilities. Appointed as honorary advisor to Department of Empowerment of Person with Disabilities, Ministry of Social Justice, Government of India in 2015. Received Community Award in Los Angeles from Consulate General of India in February 2019. If I talked about impact in disability sector in India, Mr. Pranav proposed Accessibility India campaign to Government of India, which was accepted and launched by Honorable Prime Minister in December 2015. Under his leadership, VOSAP received special consultative status with the United Nations Economic and Social Council. VOSAP become certifying organizations and recognized volunteer with letter signed by US President. Recently on 24th April, our Prime Minister Narendra Modi ji has mentioned about VOSAP in his talk, Man Ki Baat, which is a huge recognition and a proud, very proud moment. Friends, I can talk about him for an hour, but due to time constraint, I should stop my temptation. So dear friends and family, with great pride and joy, I am inviting a true inspirational icon, Mr. Pranav Desai from California, USA. Pranav ji, let's grow together ke platform pe aapka bahut bahut swagat hai and over to you, sir. Dhanyavad, Nina ji, for having started such a good movement. Ye jo aap log, ye 98th episode hai, to आपने सही में एक अच्छा जो कोविड के समय में एक शुरू किया और लोगों को नई नई जानकारी और इंस्पिरेशन या नए नए चीज बताने की जो कोशिश की, धन्यवाद आपको इसके लिए। आई हेलो टू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रॉम लॉस एंजलिस। अमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग टू लीना जी सो दैट वी कैन टेक अवर मैसेज टू दिस अगस्त ऑडियंस टूडे। मैं आप सबको एक अपनी थोड़ी पर्सनल स्टोरी भी बताऊंगा मुश्किलों से मंजिलों तक, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि हम सबको कुछ ना कुछ मंजिल पाना है और कैसे मुश्किल आती है। और एक दिव्यांग के जीवन में, जैसे कि मुझे पोलियो 4 साल का था तब से मुझे जो एक संघर्ष करना पड़ा जो सामान्य लोगों को उतना नहीं करना पड़ता है, उसके नजरिए आप देखेंगे तो जो अचीवमेंट थोड़े बहुत लाइफ में हुए शायद किसी को मोटिवेट भी करे। मैं इस वक्त आपको वीडियो एक शेयर कर जो बताया इन्होंने लीना जी ने, लेट मी प्ले दैट। यस, आई कैन सी द स्क्रीन। Okay.
know, DINA is a volunteer organization. मेरे प्यारे देशवासियों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है, ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं, लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियां होती हैं, उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं, उनकी टैलेंट को जानते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। जो दिव्यांग साथी हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जरूर जुड़े। तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, और मैं इसलिए बताऊंगा कि आज मैं 53 पे ये समझता हूँ एक पर्सनली एक अचीवमेंट भी है और साथ ही साथ बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है कि एड्रेस टू द नेशन उन्होंने ये बात कही है, जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने और उषा जी ने शुरू किया यहाँ लॉस एंजलिस में। साथ ही मैं कॉरपोरेट लाइफ में भी एज ए सेल्स हेड फॉर द नॉर्थ अमेरिका, इतनी बड़ी कंपनी एंटिटी डेटा में जो मुझे अवार्ड मिले, काफी अवार्ड मिले हैं और उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। मगर ये जो मंजिल है वो एक आज का माइलस्टोन है, बट ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव किए पुराने इन लास्ट वट एवर 50 ईयर्स, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि एक दिव्यांग होते हुए जो अचीव किया, अगर मैं ये कर सकता हूं तो काफी कुछ जो लोग दिव्यांग नहीं है वो शायद और भी कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक मैं अपना जो लाइफ का थोड़ा स्टोरी जो है उसको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चैलेंज जब मैं 3.5 साल का था तब मुझे पोलियो हुआ। आई वॉज बॉर्न नॉर्मल बट एट एज ऑफ 3.5 आई गॉट पोलियो बोथ द लेग्स। उस वक्त जैसे कि 50 साल पहले की आप समाज सोचिए अगर कैसा है, कुछ होता है तो समाज उनको किस तरह से देखता है, लोग उस बच्चे को किस तरह से देखते हैं, उस परिवार को किस अलग तरीके से देखते हैं, समझो कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है। उस सिचुएशन में मेरे माता पिता जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर मास्टर डिग्री, मेरी मदर प्रोफेसर थी जेवियर्स में, ये सब लोगों ने इस इतनी बड़ी चुनौती को कैसे इसमें से निकला जाए, तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि पहला संघर्ष था वापिस पैर पे खड़े होने का। तो उस जमाने में 1 तोला सोने से भी ज्यादा जो कैलिपर्स होते थे
वो मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर खर्च किया और मुझे अपने पैरों पे विथ कैलिपर्स आई कुड स्टार्ट स्टैंडिंग. तो वो कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक ऐसी परिस्थिति में, जिसकी वजह से असिस्टिव डिवाइसेस से मैं कहीं पे आज जहां हूं, मैं समझता हूं वो मुझे समय पे वो कैलिपर्स मिले इसकी वजह से. फिर पहली दूसरी चुनौती आई स्कूल में एडमिशन की. स्कूल में एडमिशन आप लोग बहुत अभी भी मैं हम लोग देखते हैं कि दिव्यांग लोग स्कूलों में बहुत कम है और जो भी हम रीजन पाते हैं वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है. मुझे उस वक्त जबकि 50 साल पहले की बात है तब तो एडमिशन और भी मुश्किल था. मेरी मौसी गिरू मासी जो पीएचडी और साधना स्कूल में अच्छी पोजीशन पे थी, उन्होंने प्रिंसिपल साहब को पर्सनली बताया कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, एक मौका दीजिए उसको एडमिशन का. ये कैसी जो दिव्यांग नहीं होते उसके लिए ये कभी प्रश्न ही नहीं होता. एडमिशन मिलता है, बच्चे पढ़ते हैं, आगे निकलते हैं. और दिव्यांग को मुझे पहला लेसन जो लाइफ का सीखने को मिला कि मुझे 10 गुना ज्यादा औरों से काम करना पड़ेगा. तो मुझे 6 महीने में साबित करना था पहले ग्रेड में कि मैं एक्सेप्ट हो जाऊं. बहुत मेहनत करनी पड़ी और उसके मायने में फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट आया पूरे क्लास में. देन रेस्ट इज द हिस्ट्री. बट ये जो संघर्ष था, जो मुश्किल थी, जो शायद यू नो नेचुरल औरों को नहीं आती है, उसके बाद आगे चल के सोसाइटी में आपका एक्सेप्टेंस. तो हमारे जो प्रिंसिपल थे साधना के मनसुख भाई अधवरी, उन्होंने नई स्कूल बनाई. तो बिकॉज ऑफ माय डिसेबिलिटी हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि भले ही वो छोटी स्कूल हो मैं वहां पे पढ़ाई करूंगा. तो इसका संघर्ष ये था, मुश्किल ये थी कि हम सिर्फ नई स्कूल थी, सिर्फ डेढ़ टीचर, आप लोगों को शायद हंसी भी आएगी, सिर्फ डेढ़ टीचर हमको मिले थे, सैंक्शन हुए थे. तो एक टीचर 4 सब्जेक्ट लेते और जो आधे जो हाफ टीचर विजिटिंग थे वो 2 सब्जेक्ट लेते. इस तरह से हमने पढ़ाई की 10वीं कक्षा तक. जैसे जैसे हमारा क्लास आगे जाता था वैसे वैसे वो परमिशन मिलता था उनको. तो 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड, मगर मेहनत करना जो सीखे थे. तो मैं 10वीं कक्षा में विद 87% 56 इन द स्टेट आ गया. तो तभी एक कॉन्फिडेंस मिला कि कैसे भी स्कूल हो, टीचर बहुत ही अच्छे थे, वातावरण बहुत ही अनुकूल था. एक दिव्यांग को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं दिव्यांग हूं. ये इसकी वजह से मुझे वो स्कूल में मैं गया. मगर जो सीखने का जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वर्सेस जो टीचर जियोग्राफी के होते हैं, उनको भी संस्कृत सिखाना पड़े, उनको इंग्लिश सिखाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. और वो किया और जो पूरे गुजरात लेवल पे जो एग्जाम था उसमें जो मैंने हासिल किया. उसके बाद वही 10th ग्रेड में एक दूसरी मुश्किल थी कि मैं साइंस में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं, क्योंकि बुजुर्गों ने घर में बोला कि पैरों में तकलीफ है तो साइंस में मत जाओ, क्योंकि इंजीनियर या वो जो भी ऐसी लाइन होगी वो तुमको तकलीफ करेगी. अब मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे जहां पे मुझे कोई चैलेंज आती है कि मैं डिसेबल हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उल्टा चलता है कि नहीं मैं वो ही करूंगा और उसको मैं फिर कोशिश करता हूँ. और कभी कभी बहुत कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि सपने कभी बड़े भी होते हैं. तो मैंने सबको बोला मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होऊंगा, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं होऊंगा, चिंता मत करो, मैं वो ऐसा कोई हार्डशिप नहीं होगा. अब पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बहुत सारे मार्क्स चाहिए 12th में और यू नो ओनली 30 सीट्स थी अहमदाबाद में एलडी इंजीनियरिंग में, कुछ नहीं पता था. जैसे जैसे पता चलता गया तो मेहनत खूब करनी पड़ी. अब एक जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं वो उनको ट्यूशन होता है, पढ़ाई में जाते हैं. अब मेरा संघर्ष जो था, मैं 3री मंजिल पे अहमदाबाद में 3री माले पे रहता था, 45 स्टेप्स वन वे. मैं पढ़ाई कर रहा था गुजरात कॉलेज में. क्यों गुजरात कॉलेज में? क्योंकि जितना मेरा अनुभव था, मैं किसी और स्कूल का नाम नहीं दूंगा,
बट जो मेरे आजू बाजू वाले एरिया में थे वो कहने के लिए अच्छी स्कूल, मगर उनका मानसिकता बहुत ही कुंठित था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गुजरात कॉलेज, उस वक्त नया नया खुला था 11-12 के लिए, तो ऐसे ऐसे डिसीजन लेने पड़े। वहां पे आशीष डेली वाला जैसे काफी अच्छे मित्र मिले, जो कि अभी आज यहाँ पे सेशन में भी है, ऐसे ऐसे लोग मिलते गए कि भाई। और मेरा जो स्कूल का फ्रेंड भावेश पारेख, ही इज अ बिग ऑन्कोलॉजिस्ट इन अहमदाबाद, वो मेरा इतना साथी रहा। वो स्कूल में भी वो मेरा बैग लेके जाएगा, मेरे साथ चलेगा। तो मुझे मेरा फॉर्चुनेट भी रहा है कि ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले परिवार में, जो कि फैमिली में या फ्रेंड्स में, जो लोग साथ दिया, कभी महसूस नहीं होने दिया। और उसी वजह से मैं गुजरात कॉलेज में, बट अगर संघर्ष देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी की लैब, केमिस्ट्री की लैब, फिजिक्स की लैब, ये अलग अलग गुजरात कॉलेज के बिल्डिंग्स, सब जगह चल के जाने का, घर ऊपर, लेबोरेटरी ऊपर, और फिर 12th और 11th में जो साइंस के क्लास उस वक्त हुआ करते थे, समर क्लासेस, वो भी टेरेस के ऊपर, तीसरी माले के ऊपर। तो एक दिन में कितनी बार मुझे ऊपर नीचे चलना, रिक्शा पकड़ना, ये आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुश्किलें बहुत थी, मगर ठाना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाना है तो जाके रहा। फास्ट फॉरवर्ड, इंजीनियरिंग में अच्छे न केवल मार्क्स लाए, बट ओनली 5 लोगों को फाइनल ईयर में इसरो में प्रोजेक्ट मिलता, उसमें से मैं एक था। तो काफी अच्छी पढ़ाई हुई, बाद में एमबीए हुआ। और यहाँ पे एक दूसरी चैलेंज आई, सब लोग पढ़ाई फाइनल इंजीनियरिंग में कैंपस इंटरव्यू होते थे, एलएनटी का हुआ, एचसीएल का हुआ, मैं हमेशा रिटन टेस्ट में पास कर जाता। बट एचसीएल वाले ने बहुत अच्छा बताया कि भाई तुम्हें पैर में तकलीफ है, और हमारी जो जॉब्स है वो फील्ड में सर्विस, कंप्यूटर रिपेयर करने की या सेल्स एंड सर्विस जॉब्स है, फिर हमारे पास आरएनडी की इतनी जॉब्स नहीं, उस वक्त की बात है 91 की। तभी एक महसूस हुआ कि ये दरवाजे बंद है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जितनी अच्छी डिग्री लेके भी हमको आगे प्रॉब्लम है। रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मेहनत की, एमबीए में एडमिशन मिला, लाइफ चेंज फॉर एवर। एमबीए में अच्छा, नॉट ओनली मैरिट स्कॉलर, एवरी प्रोजेक्ट आई कुड डू बाय द स्पॉन्सर्स, विच इज वेरी रेयर। और 15 जनवरी कैंपस में 3 कंपनी आई, तीनों ने मुझे जॉब ऑफर करी। तो ये जो मैं जो बता रहा हूं कि अलग अलग समय पे चुनौती, मुश्किल आई, ज्यादा आई, और उसको ओवरकम करने के लिए और मेहनत करनी पड़ी, बट वो एक एक माइलस्टोन आज यहां तक हमको लेके आया है। तो ये जो मैं एक यू नो एक एक थीम के तरफ से बोलूंगा कि ये जो लाइफ में जो चाइल्डहुड से जो भी एक तकलीफें आई, उसका मेरा एटीट्यूड पे, मेरे जो विचारों पे, मेरे जो सोच है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला तो एम्बिशन टू प्रूव, एम्बिशन भी है और प्रूव करने की हमेशा एक तत्परता रहती है। दूसरा कि बड़ा सोचो ताकि कंपटीशन कम हो, बिकॉज क्राउड में अगर आप जाओगे तो ज्यादा कंपटीशन में दिव्यांग को प्रॉब्लम होगा। बट मैंने सोचा कि मुझे ईश्वर ने ब्रेन पावर दिया है, और हंसने की बात है कि जब मुझे फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन के लिए वो लोग बोले 6 महीने के लिए, मेरे को पैर में तकलीफ थी, दिमाग में नहीं थी, मगर ये समाज की जो सोच थी अगर आज भी ऐसी है, तो मैंने उसी वक्त से कि थिंकिंग बिग वो एक नेचर में डाल दिया कि बड़ा सोचने का, ऑप्टिमिस्टिक रहने का, फाइंडिंग वेज, क्योंकि मुश्किलें आती हैं, मगर जो लोग रास्ता निकाल पाते हैं वही सक्सेसफुल जाते हैं। तो बहुत समय ऐसा होता है कि इट सीम्स लाइक ए डेड एंड, मगर फिर भी रास्ता निकलता है। और रास्ता क्यों निकलता है, क्योंकि हम फोकस रहते हैं। तो मेरी खुद की लाइफ में मैं काफी फोकस रहा हूँ। आप मुझे पूछोगे क्रिकेट का क्या है, सॉकर गेम का क्या है, कभी रस नहीं लिया, कुछ पता नहीं, बट हाँ मुझे संगीत का शौक है, तो उसमें मैंने काफी रुचि ली, मैंने वो एक हॉबी डेवलप किया। रिस्क लेना लाइफ में बहुत बार बहुत रिस्क लेना पड़ा, दिव्यांग होने के बावजूद जो मैंने बताया, तीसरी मंजिल पे जाना, बारिश के मौसम में स्टेयर सब गीले हो जाते हैं,
ये तो एक छोटी बात डे टू डे लाइफ पे, बट जो प्रैक्टिकल रिस्क जो लाइफ में लिया कि अमेरिका आने का 1999 में, एक नई दुनिया में अपने आप आने के लिए जो मुझे मौका मिला, और मेरे पिताजी, मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा मेरी माता जो पिताजी का उसमें बहुत ही एक विजन भी रहा, और मेरे पिताजी ने मुझे दिव्यांग होने के बावजूद हमेशा इंडिपेंडेंस दिया और मुझे मेरे पीछे इतना खर्च किया कि मेरा यू नो कॉन्फिडेंस बढ़े, हमेशा मुझे जाओ बॉम्बे जाओ दिल्ली जाओ, तो मैं घूमने का मेरे को एक तकलीफ था, फिर भी रिस्क ले लेके भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया और उसमें करेज भी आई हो सकता है, ऑफ कोर्स ये सब में हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, एंड ऑल्सो एक चीज जो एक्सेप्टिंग द पीपल्स प्रेजुडिस फॉर माई डिसेबिलिटी, ये बहुत दुख की बात है मगर एक एक्सेप्टेंस भी आ गया कि यही दुनिया है, लोगों को प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन इज बाउंड टू बी देयर, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट ये जो मुझे रिफ्लेक्ट किया मेरे कैरेक्टर में या मेरे जो बिहेवियर में, उसकी वजह से जो सक्सेस मिली अमेरिका में भी 99 से अब तक, तो एट द एज ऑफ 45 एक आराम से बैठते हैं देखते हैं कि इतने संघर्ष के बाद भी ईश्वर ने इतनी कृपा की कि हम लोग अमेरिका में लॉस एंजलिस में अच्छे घर में अच्छी खासी करियर में वाइस प्रेसिडेंट बन गया था एट द एज ऑफ 43, दुनिया की 6th लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी $21 बिलियन की, तो एक कॉन्फिडेंस था एक सेटिस्फैक्शन था मगर फिर भी एक जज्बा था कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी तक ये जो संघर्ष किया उसका कुछ पर्पस नहीं दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था, एक वक्त 45 द एज ऑफ 45 समझ आया कि जो गिविंग बैक की भावना है उसमें हम लोगों ने देखा जो मैं यहां तक पहुंचा एट द एज ऑफ 45 वही काफी हजारों लाखों दिव्यांग लोग भी कर सकते हैं अगर उनको असिस्टिव डिवाइस मिले, अगर उनको एजुकेशन मिले, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, अरविंद मिल ने मुझे यू नो बहुत अच्छा करियर मिला, तो ये जो मेरी स्टोरी है काफी औरों की हो सकती है अगर हम कुछ करें उनके लिए, तो वो एक मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने, मैंने और उषा ने, और मैं उषा का बात करूंगा यहाँ पे, शी इज MBA फ्रॉम सिम्बायोसिस माय वाइफ, एंड एक आइडियलिज्म के साथ शी एक्सेप्टेड अ हैंडीकैप पर्सन बैक इन 93, ये मैं मेरा सौभाग्य भी मानता हूं कि मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले मेरी जिंदगी में, और मेरे को उसकी वजह से एक बिल्डअप होता गया। मोदी जी, मैं एलडी इंजीनियरिंग में स्टूडेंट लीडर था, 1988 से हमारा परिचय और कभी होता है ना रिलेशन क्लिक हो जाता है, तो मैं पॉलिटिक्स तो एक ही साल एलडी इंजीनियरिंग में जीता था इलेक्शन वगैरह, बट उनके साथ का जो रिलेशनशिप वो परमानेंट हो गया था, और वो परमानेंट मतलब मैं जो थिंक बिग की बात है मैं एक उदाहरण दूंगा, 93 में वो हमारे मित्र के यहाँ मिले थे, तो बोले कि आप एक्टिव क्यों नहीं होते हो, आप इतना सारा देश के लिए करना चाहते हो, मैंने बोला कि ये जो क्राउडेड फील्ड है कार्यकर्ता का उसमें मैं शायद कुछ इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्योंकि MBA भी हो गया था, तो मेरे मन में एक उस वक्त श्याम पित्रोड़ा जी आ गए थे जो कि फॉरेन से आए थे, उन्होंने पूरा टेलीकॉम रिवोल्यूशन किया था, तो मेरे मुंह से वो निकल गया कि जैसे श्याम पित्रोड़ा आए हैं देश की सेवा करें, हम भी कुछ बनेंगे लाइफ में तो कुछ करेंगे देश के लिए, उस वक्त पता नहीं था कि ऐसा मौका भी आएगा, ऐसा पता भी नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या मैं अमेरिका जाऊंगा, ये 93 की बात है, मगर कभी कभी होता है ना कि अगर बिग सोच लेके चलते हैं कि मुझे करना है, यस फॉर द नेशन फॉर द पीपल, बट एट द राइट टाइम इन अ राइट मैनर एंड फ्रॉम द टॉप लेवल, बिकॉज दैट्स व्हाट माय एबिलिटी एंड माय लिमिटेशंस, तो मेरी जो डिसेबिलिटी की वजह से जो लिमिटेशंस थी उसको मैंने सोच के जरिए एबिलिटी में मेरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो ये जो यू नो मैं जो वॉइस ऑफ एसएपी की बात जो आप सब ने देखा
तो मैं उसके ऊपर थोड़ा समय लूंगा आपको बताने के लिए कि कैसे एक जो मुहिम हम लोगों ने लिविंग रूम में बैठ के देख शुरू की, उषा और मैंने, हमने एक मैनी यू नो सोचा कि ऐसा कर सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स मोदी जी का सपोर्ट था, तो उन्होंने मुझे उनके कैंपेन में 2014 में रोल दिया। हमने विजन 2020 बनाया दिव्यांगों के लिए, उसमें 12 पॉइंट थे, उसमें से 7 पॉइंट बीजेपी के मैनिफेस्टो में आए। वर्ड टू वर्ड वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी हो गई। तो ये एक एक चीज जैसे होता गया, नए नए माइलस्टोन होते गए। मैं जुलाई 2014 में भारत गया, दिल्ली गया, मैंने देखा ये सब मिनिस्टर लोगों को जो हम साथ में काम करते थे कैंपेन में, स्मृति ईरानी जी वो लोग सब, तो उनके साथ मैंने देखा कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआर मिनिस्टर, यू नो हेल्थ मिनिस्टर, ये सब लोगों के साथ बात करके लगा कि कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ होने की संभावना और भी है। क्योंकि मैनिफेस्टो में डाला है, पता था मोदी जी करेंगे, बट तभी एक जिम्मेदारी का एक ज्यादा एहसास हुआ। काम करते गए, फास्ट फॉरवर्ड हमने वॉइस ऑफ एसएपी बनाया। तो मैं, लेट मी शेयर द स्लाइड। लीना बेन देखा है ना स्लाइड? ना ना नहीं आ रही है जी। ओके, तो जो मेरी खुद की मुश्किलों से यहां तक पहुंचने की जो 45 की बात कर रहा हूं, वहां से एक जो मैंने बताया कि कैसे लाइफ बदल सकते हैं लोगों की, एडवोकेसी के जरिए, असिस्टिव डिवाइस के जरिए, तो उस चीज को हमने शुरू किया। अभी तक काफी लोगों को मदद भी हुई है। मैं ये स्मॉल वीडियो प्ले करूंगा। ये जो वीडियो इसलिए प्ले किया कि मैसेज ये है, जैसे इसने बताया, दिव्यांग को हर एक अपनी अपनी नीड्स रहती है। कोई चश्मा लगा के पढ़ाई करता है, कोई चश्मा बगैर पढ़ाई करता है। तो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए 21वीं सेंचुरी में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, अगर हमको वो दें तो वो हर कोई अपनी अपनी तरह से दे कैन फ्लरिश। तो लेट मी प्ले। तो आप सबको वॉइस ऑफ एसएपी क्या है ऑफकोर्स जानने की अभी उत्सुकता हुई होगी, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कभी ऐसे शायद एक नॉन प्रॉफिट का कभी बताया होगा, पता नहीं, बट हमको बताया है कि ये बहुत रेयर मोमेंट है जो रिकॉग्नाइज हुआ है। तो मैं आप सबको ये वॉइस ऑफ एसएपी का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा एक वीडियो के जरिए। टुडे मोर देन 1 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड are living with some disability. Despite the fact that all of us human beings are temporarily able, despite that disability is a universal issue regardless of gender, religion or nation, and despite witnessing the hardships and suffering of people with disabilities, society has turned a blind eye towards them. Social ignorance, prejudice and lack of awareness has left the community of disabled people behind, excluded them from mainstream opportunities to learn, earn, and prosper. However, WhatsApp believes that there is a huge opportunity in front of all of us to change this
by creating a global mass movement of like-minded people. With this idea, WhatsApp founder, who himself is a polio survivor, having lived in India and America, founded Voice of SAP in 2017. He believes that by focusing on abilities of specially abled people, there is a real opportunity to harness the untapped human potential through advocacy and enablement to mainstream millions of people with disabilities. WhatsApp has initiated several programs using technology and the collective strengths of thousands of volunteers around the world, with the goal of creating a more accessible and inclusive world. So far, WhatsApp has directly served over 10,000 people with disabilities and millions through their advocacy. Advocacy with leaders. WhatsApp advocacy started with the government of India, various state and local governments, which led to the launch of the Accessible India campaign by the Honorable Prime Minister of India, bringing new law called Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and many other policy initiatives. Now, WhatsApp is a leading global organization in the disability sector with special consultative status with the United Nations Economic and Social Council, one of 62 disability-related NGO. As an organization in a special consultative status with the United Nations Economic and Social Council, WhatsApp has presented several written and oral statements to the global community in various conferences for inclusion of persons with disabilities. Globally, and a certifying organization for the President's Volunteer Service Award, PVSA. With corporations, WhatsApp has DII framework that helps baseline the DII score and provide roadmap digital tools to achieve higher DII score. Advocacy using WhatsApp tools. Mobile app for accessibility. Accessibility is vital for unlocking potential of millions. So we launched WhatsApp mobile app that enables anyone to become an accessibility champion in their community. Art gallery for inclusion. To touch people's hearts, WhatsApp promotes artistic pursuits like art contest, essay contest, promoting understanding of disability among masses. WhatsApp Art Contest received thousands of artwork entries from 50 plus countries on the theme of disability. The WhatsApp Virtual Art Gallery is open for all to see these amazing artwork to develop deeper understanding of disability and compassion. Exhibition of assistive technology. Innovative assistive technology products are a boon for enabling people with disabilities, making them functional. To accelerate the adoption, global reach, and affordability of these products, WhatsApp has launched a global virtual exhibition, Open for All, leveraging the latest technology of the virtual world for the disability sector. Youth advocacy. To strengthen data-driven advocacy and engage youth with a purpose, today we have a volunteer program, WhatsApp Ignite, for high school students, and WhatsApp Collegiate program for undergraduate and graduate students in the US and India, nurturing the compassionate and inclusive mindset of the talented pool of future leaders ready to champion the cause. Enablement. With assistive devices, WhatsApp started changing lives, empowering specially abled people by providing mobility, education, employment-related assistive devices. Now,
Anyone can apply on our website to receive assistive device or self-employment kit with surgical interventions. Gift of vision is invaluable, and thousands of surgical interventions have given eyesight back in rural India through BPA, partner of WhatsApp in India. With online job portal, to enhance economic independence, WhatsApp has launched a job portal wherein volunteers, partners provide opportunities for SAPs from their ecosystem, and SAP can apply using WhatsApp job portal. Let us hear from our founder, Mr. Pranav Desai, who has the global vision, championing this cause, inspiring all of us at WhatsApp and beyond. Dear friends, Usha and I started Voice of SAP with a deep desire and commitment to do what we can with what we have to help specially abled people. Personally, it is very humbling to see the mission spread around in the last 5 years because of the compassion of our volunteers. They have put enormous efforts in creating building blocks, so now our mission can accelerate the scale and speed of social transformation worldwide. Having seen the smiles, happiness and confidence of so many of WhatsApp beneficiaries, having met with innovators and empathetic youth, and having generous donors, all of that is put together increase our optimism far more to change the world for better. Hence, our goals have become bigger. And because the opportunities are far bigger, I invite you, I encourage you, I urge you to join Voice of SAP. Do what you can do in your community to make it more accessible and inclusive for people with disability. So together, all of us working on the same agenda, in 21st century, we have a real opportunity to create an inclusive and much better world for people with disability. Thank you very much. Okay. So quickly, what we are doing at Voice of SAP, you got to know some metrics. We have helped so far more than 10,000 people. And this is like different things that we do. You saw that in the video. But idea is that you all can see this is one last video, just to see that how the life of Shana has changed. मामुद्दीन है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, अहमदाबाद में ऑटो चला। मैं सईदा हूँ, सना की मम्मी, मैं हाउस वाइफ हूँ और घर के काम के साथ साथ मजदूरी करती हूँ, होटल की रोटी बनाती हूँ और बच्चों को संभालना, घर संभालना, बस यही काम। डिवाइस से खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करना, इसमें रिकॉर्ड करके अच्छी तरह से याद रखना और आगे बढ़ना। मेरे परिवार में हम 7 लोग हैं। मेरे पापा हैं जो रिक्शा चलाते हैं, मेरी मम्मी है जो कैटरिंग का काम हो गया, सिलाई हो गई, जो भी उनको मिल जाए वो सब कर लेती है। और मेरे हम लोग 5 भाई बहन हैं, उसमें से हम 4 है जो ब्लाइंड है, एक है जो मल्टी डिसेबल है और एक है जो साइटेड है।
अच्छा सना ये बताओ कि यूपीएससी की तैयारी जो तुम कर रही हो उसमें तुम्हारे चैलेंजेस या क्या मुश्किलें आती हैं या आ रही हैं? यही वो डिवाइस है जो मुझे वॉइस ऑफ एसपी ने दिया था। इसके वजह से मेरी प्रिपरेशन में बहुत बदलाव आया, बहुत अच्छे से मेरी तैयारी हो पाई। मेरी 80% तैयारी इस मोबाइल की मदद से ही हो रही है। अभी मैं कर रही हूँ, मैं विजन थोड़ा है मेरा 30%, तो मैं PDF डाउनलोड करके उसका फॉन्ट बड़ा करके पढ़ती हूँ, और उसके अलावा मैं YouTube पर वीडियो देखती हूँ। कभी कुछ सर्च करना हो तो गूगल पे सर्च करती हूँ। बहुत हेल्प लेती हूँ मैं इंटरनेट की, और वो इस डिवाइस की वजह से है। और हमारी तरफ से, वॉइस ऑफ SLP की तरफ से, हम ये चाहते हैं कि हम उसे पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि सना अगर ये सपना प्राप्त कर लेती है तो वो जाने कितनी लड़कियों के लिए, जाने कितने लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनेगी। एक बड़ा सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देना बहुत मुश्किल, जो हमारी सना कर रही है। और सब SLP की तरफ से उसे सिर्फ ये सपना देखने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये जो एग्जीबिशन है आप सब लोग देख सकते हैं आर्ट गैलरी में, आप सबको चाहूंगा आप देखिए। और इसके साथ मैं अगेन आप सबको बहुत ही थैंक यू बोलूंगा कि आप वॉइस ऑफ SLP के बारे में, मेरे बारे में जानने के लिए आज एक अपना वक्त दिया। और आशा रखते हैं कि जैसे हमारे वॉलंटियर्स, आपने देखा वॉइस ऑफ SLP 11,000 वॉलंटियर्स अमेरिका और इंडिया सब जगह है, कैसे वो लोग काम करते हैं हम सब लोग साथ में मिलके। आपने देखा मनीषा जी जो कि यहाँ पे कॉल पे है, आशीष डेलीवाला, अमित भाई, ये सब लोग साथ में मिलके अगर हम थाम ले कि हमें एक दिव्यांग की जिंदगी में चेंज लाना है, और वो सिर्फ एक $100 में एक लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, आपके आजू बाजू जितने ऐसे लोग हो, उन सबको मदद करने की कोशिश करें। और मेरी स्टोरी आपके सामने है कि कैसे एक असिस्टिव डिवाइस की वजह से मैं चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुंचा हूं। तो ये नामुमकिन कभी लगता है मगर मुमकिन हो सकता है। और यू नो ये जो अभी हमारा कारवा हो गया है वॉइस ऑफ SLP का, आप सब इसमें जुड़िए, मजा आएगा। परमानेंटली आपको कुछ ना कुछ करने का मौका भी मिलेगा, समाज में आप जहां भी रहते हैं आपको एक उसका संतुष्टि होगी और सेंस ऑफ पर्पस भी होगा। और विद दैट आई कंक्लूड। थैंक यू लीना जी। थैंक यू सो मच प्रणव, आपकी बातों से और आपकी जिंदगी की जो स्ट्रगल है, जो चैलेंजेस है, उसको आपने कैसे कन्वर्ट किया पॉजिटिविटी में। और आप तो खुद स्टेबल हुए और कितने सारे लोगों की लाइफ में आप चेंज ला रहे, बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात आज आपने हमें बताई है। मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी कोई कमी नहीं है, वो एक डाइवर्सिटी है, और समाज को ये डाइवर्सिटी को अपनाना होगा और मदद करनी होगी। बहुत अच्छी जगह पे आप बैठे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं समझ रही हूँ यहाँ पे जितने लोगों ने भी आज सुना है और जुड़े हैं हमसे, वो सब जरूर आपकी बातों से इंस्पायर हुए होंगे। और मैं क्विकली कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन टू आस्क टू प्रणव जी, प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योर सेल्फ। कोई प्रणव जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल पूछिए। जागृति जी ने शायद अनम्यूट किया है। प्रणव जी कोई और सोच सकता है तब तक मुझे लगता है कि जब हमारी खुद की लाइफ में कुछ कमी होती है तो ज्यादातर हमारा माइंडसेट ऐसे होता है कि हम अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए रहते हैं,
क्योंकि अपने पास यू हैव अ सॉलिड रीजन टू से कि भाई हाँ मेरी ही ये लैकिंग है तो मैं कैसे दूसरों का हेल्प कर सकूं. तो आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको लगा कि यस आई वांट टू यू नो गिव बैक टू द सोसाइटी. कुछ ऐसे संजोग हुए, कुछ ऐसा सपोर्ट मिला कि कैसे पॉजिटिविटी कैसे आप ले आए. ये हर एक को लगता है कि मैं कुछ करूं जिंदगी में लोगों के लिए, उसमें संतोष जो है वो हम सबको पता है. यहाँ जितने भी लोग हैं सबको पता है कि कुछ किसी का मदद करने से आनंद होता है. और मेरी लाइफ जो मैंने बताई वो एक इंस्पिरेशन मेरे लिए है. तो मैंने सोचा कि उसी से कुछ सीख के क्यों ना कुछ करें. और जब शुरू किया था तो नहीं पता था कि हम UN के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे या मोदी जी, ऐसा कुछ वो कुछ भी नहीं सोचा था. मगर जब शुरू करते हो तो डिवाइन फोर्सेस आल्सो कम टुगेदर और इस तरह से हमारा ये जो संगठन है मजबूत होता गया और इतने सारे लोग इसमें जुड़ गए. हमारे डोनर जो कि मनु भाई और रिका जी, ऐसे मजबूत डोनर हैं कि वो खुद बिलियनर है, दुनिया के बहुत बड़ी कंपनी के वो चेयरमैन है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के. उन्होंने भी हमको वही बताया कि थिंक बिग बी बोल्ड. और वो इतने संतुष्ट है जो हम काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सबको इंस्पायर किया है, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनुभाई हो, या चाहे हमारे इतने सारे वॉलंटियर्स हो, सबको हम तो जो शुरू करने का कि मौका मिला. और जब मौका मिलता है तो हम सबको हम बोलते हैं कि सीज द अपॉर्चुनिटी. वही हमने किया, वी सीज द अपॉर्चुनिटी बट देन वी एग्जीक्यूटेड इट. सो बोथ द वे आई थिंक हमने मौका ईश्वर ने दिया और फिर उसको हम एक जिम्मेदारी की तरह से निभा रहे हैं. जैसे कि अभी मोदी जी ने बोला, उसका हमारा इमीडिएट रिएक्शन, ओ हमारी जिम्मेदारी अभी और बढ़ गई. तो ये एक बात है. तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक ये शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मुझे लगता है कि आपके वॉलंटियर के लिस्ट में अभी जो टॉप 10 बिलियनर और टॉप 10 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर्सन में गौतम अदानी जी भी आ गए हैं. उनकी मिसेस प्रीति अदानी भी आपकी वॉलंटियर हैं, ऐसा मैंने सुना है. और कहते हैं ना कि आप जब हम किसी की खुशी के लिए काम करते हैं तो ईश्वर खुद आपकी खुशी के लिए स्वयं काम करेंगे. बहुत अच्छी बात है. मैं समझू डॉक्टर प्रकाश दोषी ने हैंड रेस किया था. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो, या आई एम ऑडिबल प्लीज. यस यू आर ऑडिबल. Yeah, Pranav ji, I'm basically MBBS doctor. I'm in practice since 35 years. Okay. So during my practice, I had come across so many physically challenged patients by either speech or eyes or polio, etc. So I find definitely some are struggling, some got the opportunity, but never I had seen ke koi person aapke jitna aage badha ho. So what was the special you need? It was strong desire ya motivation ya aapki khud ki andar se kuch ऐसी क्या क्या चीज थी आप इतने इन स्पाइट ऑफ फिजिकली चैलेंज कैरेक्टरिस्टिक्स यू डू द प्रोग्रेस लाइक दिस, ऐसी क्या चीज थी आपने? मुझे लगता है कि परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा. मेरे बिल्डअप में, मेरे ग्रूमिंग में, और मैं थोड़ा फॉर्चुनेट भी रहा कि अच्छे अच्छे लोग मिले, मित्र और टीचर्स और एम्प्लॉयर्स, अरविंद मिल्स आई एंटिटी. तो मेरा सौभाग्य रहा कि सब अच्छा मुझे मिला. तो उसकी वजह से मैं हमेशा एक पॉजिटिव रहा कि जो नहीं है उसके ऊपर कभी नहीं देखने का, जो है उसके ऊपर हम कैसे आगे निकल सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये स्वभाव की बात है कि जो मेरे पास था मैंने उसका ही उपयोग किया, जो नहीं था उसके ऊपर नहीं. तो वो ऑप्टिमिस्टिक रह के ह्यूमन पोटेंशियल को हार्नेस करने की जो एक सोच है वो मैंने अपने आप पे पहले किया. तो शायद उसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि मैं जैसे सेल्स की जॉब में AIG के 36 फ्लोर पे लॉस एंजलिस में ऑफिस जॉब में बैठा था. मगर वहां पे लगा कि क्योंकि मैंने MBA मार्केटिंग में किया और मैंने कभी सेल्स किया नहीं और अमेरिका में पूरा एक्सेसिबल है, तो कहीं से मौका मिला, सोच आई, तो मैंने सेल्स की जॉब को 15 साल पहले एक्सेप्ट किया कॉर्पोरेट अमेरिका में. तो कभी कभी चैलेंज भी मुझे अट्रैक्ट करती है कि ये चैलेंज लिया, पूरा किया और फिर अचीव किया, जैसे कि आप देखा. तो ये मैं शायद एक स्वभाव की बात है और फिर
if you have to conclude two things, optimism and hard work. Because hard work बहुत लगता है, कुछ भी चीज ऐसे नहीं होती है, पीछे बहुत ही कष्ट और मेहनत करनी पड़ती है. मेरे सभी साथी वॉलंटियर लोग ये बात जानते हैं कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है. और मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पहले तो बनाता है, तब जाके आगे बढ़ने का एक हौसला बनता है. ऑप्टिमिज्म वहीं से आता है. ऑप्टिमिज्म मेरे पिताजी ने कभी, मेरी माताजी ने घर में या मेरी बहनों ने कभी कोई मुझे डिफरेंशिएट नहीं किया, वही मौका था शायद ज्यादा ही दिया. एक छोटा किस्सा है कि जब मैं इंजीनियरिंग में था, वो काइनेटिक होंडा उस जमाने में आया था, तो वो ये अगेन सम डिवाइन फोर्सेस की मुझे जब मौका जरूरी था एक व्हीकल का, तो ऑटोमेटिक स्कूटर आ गया था. तो किक मारना तो मेरे लिए संभव नहीं था, और साइड कार हमने सबसे पहले लगाया और मैं जाने लगा कॉलेज. बट फिर एज ए यंग पर्सन ही ना, कभी कभी तो मैं गिर गया, तो मेरे पिताजी इतने चिंतित हो गए कि ये गिर गया तो क्या होगा. तो उन्होंने मुझे उस जमाने में फियाट गाड़ी खरीद के दी कि भैया तू संभाल के रहे गाड़ी के अंदर. तो ये जो ग्रूमिंग है पेरेंट्स का, जो इन्वेस्टमेंट है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है और हमेशा तुमको सपोर्ट करें, वो मेरा सौभाग्य रहा. I am hoping you got your answer, Dr. Doshi. Yeah, Rajesh Bhai Keshwani ji, you want to ask something? Yeah, I'm really thankful for a great presentation. Bahut mujhe acha laga, and you know, service is very close to my heart, and I'm sure you know I would be you know sort of contributing in some manner to voice of SFP. You know, it's a nice name. I would like to contribute in some manner. You know, that's what I would like to say, and I truly appreciate. I'm highly inspired by Desai Saab, and he is doing great works, and truly appreciate. You know, yeah, it has been great listening. Session. Thank you. I have heard you are from Dubai, so Dubai mein bhi hamara kuch volunteers hain. Kabhi baat karenge, haan ji. Yeah, definitely, sir. In Dubai, you can remember me and count on me, and whatever I can be, be of help in any manner. Yeah, I will share and exchange both of your numbers. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Rajesh Bhai. Thank you so much. Jagruti is unmuting herself. So, you there, Jagruti? You want to ask something? Or it's by mistake, I think. And Pinkesh Shah, Deena Shah, they have unmuted themselves. Yeah, I am Deena Shah. Yes, Deena Shah. मेरे बाजू में एक लड़का है, उसको जो वो ऐसी उसकी आंखें बराबर है, लेकिन वो उसको आंख और मगज का कांटेक्ट नहीं है, तो उसको वो समझ में नहीं आता है वो क्या देख रहा है. वो उसका कांटेक्ट नहीं है तो वो कुछ अभी कर ही नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे पूछना था. वो देखना पड़ेगा दीना जी, कहाँ पे है वो और क्या मेडिकल डायग्नोसिस है, और उस हिसाब से पता चल सकता है कि कैसे असिस्टिव डिवाइस उनको मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता. क्योंकि डिसेबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, 21 तरह की डिसेबिलिटी तो कानून के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है, और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ज्यादा हर एक केस का एक अलग से, बिकॉज ये नेचर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ जेनेटिक है, कुछ एक्वायर्ड डिसेबिलिटी है. तो देखना पड़ेगा दीना जी, अगर उनकी माहिती आप देंगे तो देखते हैं कि क्या हो सकता है. और कहां पे मुझे ये आना पड़ेगा? आप लीना जी को भेज सकते हैं. मतलब डॉक्टर इज सर्टिफिकेट लेके, प्रकाश वाज माय इज माय हस्बैंड, सो आप जो भी सर्टिफिकेट से वो या जो भी है इनके रिपोर्ट्स वो लेके आइएगा, विल गाइड यू प्रॉपर्ली. वो कहां पे है? यू जस्ट कांटेक्ट मी आफ्टर, यू कैन डिमांड विद व्हाट्सएप देना, आपके भी मंगा लो, आपके ही मंगा. या व्हाट्सएप से हो सकता है, सारी पसंद नहीं, व्हाट्सएप से मंगा लो. दीना बेन, डू यू हैव माय नंबर?
No, I don't so have primary, your number. Okay, can you please write it down? I'll get okay, the expert opinion sure through my neurologist, or child neurologist, my friend. Prakash, just 1 minute. Then we'll call them. Yes. Dinaben, my number is 99250. Okay. Hello, just a minute. Yeah. WhatsApp kar do aap. Prakash Kani, hello, mute yourself. 99250 35920. 99250 35920. 35920. Yes. Whosoever okay is new today can write down my name. एंड ये जर्नी हमारी आज 98 एपिसोड पे पहुंची है. 108 एपिसोड पे आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस जर्नी. और फ्री में जुड़ सकते हैं, फ्री में आप हमेशा सभी सेशंस अटेंड कर सकते हैं. यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं. यू कैन सर्च ऑन लेट्स ग्रो टुगेदर बाय लीना दोषी, ऐसा करके आप यूट्यूब पे भी काफी सारे देख सकते हैं. और मैंने नंबर अभी दिया था, उस नंबर पे आप फोन करके मेरे ग्रुप के साथ जुड़ भी सकते हैं. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर 99250 या 35920. यस दीना बेन, कांटेक्ट मी आफ्टरवर्ड्स. प्रणव भाई, थैंक यू सो मच एंड बिग थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. एंड विथ योर कंसेंट आई वुड लाइक टू रिलीज माय नेक्स्ट सेशन प्लान. श्योर श्योर, थैंक यू प्रणव भाई. दोस्तों, जब इंश्योरेंस की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया जरूरत नहीं है. बहुत सारे बहाने बनाते हैं. और जब घर में कोई भी मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गुजर जाता है, तब हम घर के सभी लोग सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है या कहाँ पे है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं. थोड़े समय से पहले मैंने अपने ग्रुप में मैसेज डाला था कि सजेस्ट मी आप और कौन कौन से सेशन पे बात करना सुनना चाहते हैं. तब मेरे पास ये इंश्योरेंस का एक सजेशन आया था. कहते हैं कि प्यार करना हो तो जीवन बीमा के जैसा करो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. दोस्त, जिंदगी में दुर्घटना कभी भी हो सकती है. अगर दुर्घटना वह असंभव है, लेकिन भविष्य का अनुमान लगाकर उसे बेहतर बनाने की तैयारी की जा सकती है. A man can see the mess he created in his family. दोस्तों, कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हमारी लाइफ कितनी फ्रेजाइल है. तो हमारी और परिवार की सिक्योरिटी का क्या? आइए नेक्स्ट एपिसोड में पूरी जानकारी, प्रॉब्लम्स ऑल सॉल्यूशन के साथ, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ क्रिटिकल केयर के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे. हमारे बीच में बात करेंगे मिस्टर रमेश कुमार दामानी जी, जो कि कलकत्ता से हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं. ही इज अ लाइफ मेंबर मिलियन डॉलर राउंड टेबल, एक एमडीआर, बहुत बड़ा एक स्टेटस होता है इंश्योरेंस की कंपनी में. ही इज अ मेंबर क्वार्टर सेंचुरी क्लब एमडीआरटी, टॉप ऑफ टीओटी बोलते हैं वो, एमडीआरटी से भी बड़ा एक अचीवमेंट है चार्टर्ड इंश्योरेंस. यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस बेचने की बात नहीं होने वाली है, सिर्फ बात होने वाली है कि आप लोग अवेयर हो जाए, ब्रेक द बायस फॉर द इंश्योरेंस और अच्छे से समझ के अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बनाए. यही एक मोटिव के साथ नेक्स्ट सेशन में हम जुड़ेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरी वन. Once again, thank you, Pranav bhai, from the bottom of my heart for sparing your valuable time. I think aapke yahan subah ka naaste ka time bhi ho chuka hoga ya lunch ka hone aaya hoga. So thank you everyone for sparing your valuable time and attending this session. Thank you so much and see you all on next Saturday. Thank you. With this note, I am just concluding the session. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Manisha ji. Thank you, Amit ji.
थैंक यू एवरीवन.